नमस्कार, कोविड डायरी के इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ अखिलेश लिंगवाल। जिस प्रकार प्रवासी उत्तराखंडियों को राज्य में लाने का कार्य पूर्ण गति से चल रहा है, तो उसके साथ ही प्रदेश में कोरोना पीड़ितों की संख्या में भी उछाल देखने को मिला है। इसी संदर्भ में हाल ही में उत्तराखंड मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता में उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या, शासन द्वारा उठाए जा रहे कदम व इससे बचाव हेतु आम नागरिकों को सावधान रहने के बारे में जानकारी दी। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। रविवार 24 मई को उत्तराखंड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोरोना रोकथाम को लेकर सरकार के द्वारा उठाए जा रहे अहम फैसलों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि वर्तमान समय में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए घबराने की जरूरत नहीं है। पूरे देश के साथ ही उत्तराखंड में भी कोरोना केस बढ़ रहे हैं, पर संक्रमण रोकथाम और टेस्टिंग से जुड़े सभी मानकों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। उत्तराखंड के समस्त जो सामान्य जन हैं, सभी से यही निवेदन करूंगा कि कतई विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। केसेस बढ़ेंगे, इस बीमारी का ऐसा ही स्वरूप रहा है, इसका ट्रैजेक्टरी ग्रोथ का इसी प्रकार से रहा है और हम तैयार हैं पूरी तरह से। मुख्य सचिव ने बताया कि उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में एक्टिव केस हैं। यहां कोरोना सैंपल के पॉजिटिव पाए जाने की दर 1.75% है, जो देश के बहुत से राज्यों की तुलना में कम है। भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का राज्य में सख्ती से पालन कराया जा रहा है। जो पॉजिटिव जितने सैंपल्स हम टेस्ट करते हैं, उनमें से कितने सैंपल्स पॉजिटिव निकले, तो उसमें अभी भी हमारा परसेंटेज काफ़ी नीचे है। 1.75% सैंपल्स हमारे पॉजिटिव निकल रहे हैं। और अगर दूसरे मानक भी हम देखें तो इसमें उत्तराखंड की स्थिति अभी भी अच्छी है। यद्यपि पिछले कुछ दिनों में केसेस आए हैं, लेकिन हमारी स्थिति अभी जो भारत सरकार ने, हमने शुरू में आपको जो बताया था कि जो मानक तय किए थे स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा कि क्रिटिकल किन को माना जाएगा, तो हमारे अभी किसी भी पैमाने पे क्रिटिकल नहीं है, एक्सेप्ट डबलिंग रेट हमारा। पिछले कुछ दिनों में जो केसेस बड़ी संख्या में आए हैं, उससे हमारा डबलिंग रेट घट गया है, लेकिन अगर हम शेष पैमाने देखें तो अभी भी हमारा पोजिशन क्रिटिकल नहीं है, न उसके आसपास है। राज्य में जनजीवन और आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और गाइडलाइंस के तहत कार्य करने की अनुमति दी गई है। एक बात ये आ रही है कि हमारे बहुत सारे उद्योग और व्यवसाय अब चालू हो गए हैं, और कुछ उद्योग और व्यवसाय को चलाने में टेक्निकल मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। किसी मशीन में कोई खराबी आ गई या और कोई ऐसा कारण हो जिससे कि उस उद्योग को चलाने में दिक्कत आ रही है, तो ऐसे या व्यवसाय को चलाने में दिक्कत आ रही है, तो ऐसे कुछ लोग आते हैं जो कि बहुत अल्प समय के लिए आते हैं और 14 दिन का क्वारंटीन में फिर जो है वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो उसके लिए जो व्यवस्था बनाई गई है कि ऐसे व्यक्तियों को जो होटल्स हमने क्वारंटीन के लिए रखा है, उन्हें वहाँ पर क्वारंटीन के लिए भेजा जाएगा और उन्हें सख्त हिदायत दी जाएगी कि वो सिर्फ जिस स्थान पर उन्हें कार्य करना है वो वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर जो दूरियाँ बना के रखनी है, वहाँ पे जो एहतियात बरतने हैं वो बरते जाएंगे, और फिर उसे जिस तारीख को वापस जाना है वो सीधे वापस जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होगी, और अगर इसमें किसी प्रकार का वायलेशन पाया जाता है तो फिर नियमानुसार कार्रवाई हो सकती है। तो ये व्यवस्था भी हमने की है, क्योंकि बहुत सारे उद्योगों में इस प्रकार की परेशानी आ रही थी और भारत सरकार ने भी इस प्रकार का हमें एक छूट दी हुई है, जिन्हें जो आवश्यक कार्मिक हैं, टेक्निकल कार्मिक हैं, दूसरे कार्मिक हैं, जिनको किसी उद्योग व्यवसाय को चलाने के लिए जिनकी आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए हम इस प्रकार की व्यवस्था करें, तो इस हमने आदेश इसका जारी किया हुआ है। घरेलू उड़ान सेवाएं देश भर में लंबे इंतजार के बाद फिर से शुरू कर दी गई हैं।
जिसे ध्यान में रखते हुए तमाम एहतियात बरतते हुए लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग व क्वारंटीन संबंधी जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और इसका सख्ती के साथ पालन कराया जा रहा है। जैसा आप सभी को ज्ञात होगा कि अब हमारे फ्लाइट्स भी कल से प्रारंभ हो जाएंगे, जिसमें दिल्ली देहरादून, मुंबई देहरादून और देहरादून पंतनगर के बीच में कनेक्टिविटी होगी। 7 फ्लाइटें आएंगी और 7 फ्लाइटें यहाँ से जाएंगी, तो उनकी भी प्लानिंग हो चुकी है। भारत सरकार के सिविल एविएशन मंत्रालय के द्वारा जो SOP वो कर दिया गया है, जिससे कि ये ज्ञात हो जाए कि जो एयरपोर्ट के अंदर किस प्रकार की व्यवस्था होगी, हवाई जहाज़ के अंदर किस प्रकार की व्यवस्था होगी, जब वो पहुंचेंगे जो यात्री उनके लिए किस प्रकार की व्यवस्था होगी, ये मिनिस्ट्री ने जारी कर दिया है। और राज्यों से अपेक्षा है कि जब वो व्यक्ति आते हैं तो उनके लिए किस प्रकार का SOP बनाया जाए, ये राज्यों के ऊपर छोड़ा गया है। राज्य सरकार के द्वारा भी SOP को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसमें मुख्य बात ये होगी कि जो व्यक्ति आएंगे उनको हम क्वारंटीन में रखेंगे, जिस प्रकार से अन्य माध्यमों से जो यात्री आ रहे हैं उनको हम क्वारंटीन की व्यवस्था करते हैं। इस केस में हम उन्हें कोई होटल में भी उनके रुकने की व्यवस्था करेंगे, जिसका भुगतान संबंधित व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति क्वारंटीन स्वयं को क्वारंटीन किसी होटल में पेड व्यवस्था में नहीं करना चाहते, तो हमारे पास जो अन्य व्यवस्था है उसके तहत इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जाएगा। मुख्य सचिव ने जनता को सुझाव दिया कि जरूरी होने पर ही घर से निकलें, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को अमल में लाएं और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप क्वारंटाइन के नियमों का पालन करें। आप केवल ये देखें कि खुद सुरक्षित रहें, अनावश्यक बाहर न निकलें, अनावश्यक रूप से लोगों से न मिलें, मास्क अवश्य पहने रहें जब आप इंटरेक्शन कर रहे हो और दूरियां बनाकर रखें। जिन सर्फेसेस को आप टच करते हैं, जिन सतहों को आप छूते हैं, उनका सैनिटाइजेशन टाइम टू टाइम हो, चाहे आप किसी दफ्तर में हो, किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में हो, किसी दुकान में हो, इन चीज़ों का एलिमेंट्री चीज़ें हैं, ये सामान्य चीज़ें हैं, इनका ध्यान आपको अवश्य रखना पड़ेगा। और क्वारंटीन का जो है अक्षरश उसका पालन सभी के द्वारा अगर किया जाता है, तो आप देखेंगे कि इस समय जो ग्रोथ हो रही है, अगले 15 दिन में जब इनका क्वारंटीन का पीरियड पूरा हो रहा होगा, तो हम फिर काफ़ी हद तक संख्या के इजाफे को हम कंट्रोल कर पाएंगे और अपने प्रदेश को कोविड मुक्त होने की दिशा में हम और आगे ले जाएंगे। कोरोना काल में जहां विभिन्न धार्मिक प्रांगण श्रद्धालुओं के लिए बंद हैं, तो वहीं तीर्थयात्री भी धामों की यात्रा से वंचित हैं। वो अपने पूजा के दर्शनाभिलाषी हैं। इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की पहली बैठक आयोजित की गई, जिसमें चारधाम व अन्य देवस्थलों के आध्यात्मिक व सांस्कृतिक महत्व व संरक्षण की चर्चा की गई। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। शुक्रवार 22 मई को मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की पहली बैठक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में मंदिरों एवं उनसे जुड़ी प्रमुख पांडुलिपियों और अन्य ऐतिहासिक महत्व के सामग्री संग्रहण के लिए संग्रहालय बनाने पर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि विश्व भर में उत्तराखंड आध्यात्म का केंद्र है। यहाँ के मंदिरों की प्राचीन शैली इसकी विशिष्टता है, जिसे बनाए रखने के लिए मंदिरों का प्राचीन स्वरूप बना रहे। उन्होंने बैठक में इस बात पर जोर दिया कि उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड में सबके हितों को ध्यान में रखा जाएगा। बैठक में राज्य सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपए की धनराशि देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को स्वीकृत की गई। चारधाम यात्रा को लेकर के बोर्ड ने विचार किया और कोविड के कारण जो परिस्थितियां निर्माण हुई हैं, उसमें
कैसे यात्रा को हम सुचारू कर सकते हैं, इन सारे विषयों पर विचार हुआ। साथ ही बोर्ड के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कई मंदिर समितियों ने देवस्थानम बोर्ड से जुड़ने की इच्छा जाहिर की है और इसलिए ये भी निर्णय हुआ कि कुछ और मंदिरों को भी भविष्य में जोड़ा जा सकता है। जो हमारे पंडा समाज है, पुरोहित समाज है, उनके बारे में भी बातचीत हुई है और एक संग्रहालय जिसमें जो हमारी प्राचीन मूर्तियां हैं, पांडुलिपियां हैं, ऐसे तमाम ऐसे जो प्रतीक हैं उन सब के लिए उनको सबको एकत्रित करके और एक संग्रहालय में रखा जाएगा ताकि पुरातत्व प्रेमी वहां पर आकर के उनको देख सकें। उत्तराखंड में प्रवासी उत्तराखंडियों को लाने का काम सुचारू रूप से चल रहा है, जिसके साथ ही प्रवासियों के क्वारंटीन हेतु क्वारंटीन सेंटर की भी व्यवस्था की जा रही है, जहां अमूमन 14 दिन क्वारंटीन पीरियड रहता है। कुछ लोगों के लिए जो कि असहजता का कारण बनता है, तो वहीं कई लोग क्वारंटीन सेंटर में 14 दिवसीय अवधि के दौरान अपने रचनात्मक कार्य व गतिविधियों से दूसरों के लिए मिसाल बनके भी उभरे हैं। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। कुछ लोगों के लिए जहां क्वारंटीन का समय एक मुश्किल का सबब है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस क्वारंटीन समय का सदुपयोग कर समाज को नई दिशा दे रहे हैं। ऐसा ही एक उदाहरण सामने आया है पौड़ी गढ़वाल के खिरसू ब्लॉक के असिंगी गांव के प्राथमिक विद्यालय से, जहां सरोज नेगी अपने परिवार समेत 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन हुए हैं। ये परिवार दिल्ली से अपने गाँव आया था। सरोज नेगी ने अपने परिवार के साथ लॉकडाउन के चलते महीनों से बंद पड़े प्राथमिक विद्यालय की साफ सफाई कर इसकी तस्वीर बदल डाली। इनके प्रयासों की प्रशंसा विद्यालय के अध्यापकों सहित पूरा गांव कर रहा है। और ये एक छोटा सा गांव है, यहाँ पे मुश्किल से 10-12 परिवार रहते हैं। और ये जो यहाँ पे क्वारंटीन हुए हैं ये बच्चे, ये दिल्ली से आए हुए हैं और यहाँ पे असिंगी गांव के ही हैं। और इनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ हैं। और इनकी जो माताजी हैं वो महिला मंगल दल की अध्यक्षा रही हैं और उन्होंने हमेशा से ही विद्यालय को बहुत अच्छा योगदान दिया है। और आज उनके बच्चों ने विद्यालय के लिए जो कुछ भी किया है, मैं उनकी आभारी हूँ। मेरा भी अनुरोध है, जो लोग जहाँ भी क्वारंटीन है, मैं खुद यहाँ पे सहायक नोडल अधिकारी के उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रही हूँ। और मेरे जो ग्राम सभा खालू है वहाँ पे भी बहुत सारे लोग क्वारंटीन हुए हैं और सारे लोग बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। प्रधान जी के साथ, हमारे साथ बहुत अच्छे से रह रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं। ये हमारी स्कूल है, हम स्कूल में अभी 14 दिन के लिए क्वारंटाइन हो रखे हैं। आज हमारा 7वां दिन है, हम 16 तारीख आ गए थे यहाँ पे। तो जब हम स्कूल में आए थे तो हमने देखा था कि स्कूल में बहुत सारी झाड़ियाँ और यहाँ पे खरपतवार और फूलों की क्यारी थोड़ा सूखने लग गई थी। तो हम जैसे आए तो दूसरे दिन हमने यहाँ पे साफ सफाई और फूलों में क्यारियों में थोड़ा पानी वगैरह डाला तो साफ सफाई अच्छी लग रही है और हमको यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मेरी वाइफ है, यहाँ मेरे दोनों बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है यहाँ पे लग के। तो हम दिल्ली से आए तो दिल्ली में इस समय बहुत बड़ी महामारी फैली हुई है, तो हमको दिल्ली से यहाँ आ गई हमको, तो हमको अच्छा लग रहा है। गाँव वाले सपोर्ट कर रहे हैं हम लोगों को। जो ये हमारा किचन है यहाँ पे जिसमें हम खाना बनाते हैं, और बगल में स्कूल आई और हमको यहाँ लाइट पानी खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। इस टाइम दुनिया भर से गांव आ रखे हैं अपने अपने गांवों में, स्कूलों में ठहरे हुए हैं। तो उनसे अनुरोध है कि गांव वालों का सपोर्ट करें और ये ना बोले कि हम गांव में रहेंगे, घरों पे रहेंगे, क्वारंटाइन घर पे करेंगे। नहीं, आप स्कूल सेफ रहोगे, आप सेफ रहोगे, दुनिया भी सेफ रहेगी, गांव वाले भी सेफ रहेंगे। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि अफवाह ना फैलाएं या किसी को कुछ ना बोले, अपने क्वारंटाइन हो तुम लोग। क्वारंटाइन 14 दिन की बात है, 14 दिन यूं गुजर जाते हैं, 14 दिन में कुछ नहीं होता। 14 दिन क्या है, नहीं होने से बढ़िया 14 दिन बहुत बढ़िया है। 14 दिन आप सेफ हो, गांव वाले सेफ है, दुनिया सेफ है, आप सेफ हो तो सब सेफ है। मेरा बच्चा अभी आज दिल्ली बैठे घर आया था ना, और आज 7 दिन होएगी नहीं, और हमारी स्कूल में
अच्छी तरह से होंगे निराई गुड़ाई सब पानी पुणी ये हमारे सब मैडमों को लगाई डाल सन हम लोग को काम सो हम थोड़ा पानी पुणी सन थोड़ा घास घूस कटना और हमारे मैडम आने लगाए रहा डाल सब पानी पुणी भी कहटी कम छो लगाओ छो लेकिन मेरे बड़े बच्चों से यही प्रार्थना रहे कि जख्म रोन जख्म बचना तख्म घसन ओख म इनकम चाहिँ काबर छैन सबै काबर कीड़ा मकोड़ हुन त नि हुँदी आज यहाँ साँस फोप निकाल रहनमा आज यहाँ वहाँ से सुरक्षित रहन चाहिँ जग्गा सफाई कला जग्गा पानी पुगे रखला तब न बढ़िया छ अरे सब हमारे मैडम लगाई लगाई डाए छ नि सब अच्छे तरह से। इस गांव में एक विद्यार्थी होम क्वारंटीन है जो रचनात्मक कार्य को कर समय का सदुपयोग कर रहा है। यहाँ पे जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। मेरा नाम आयुष चिमोली, मैं ग्रेड 12 में पढ़ता हूँ और मैं कोटद्वार से आया हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं क्वारंटाइन हो चुका हूँ और अपने खाली समय को व्यतीत करने के लिए मैं ड्राइंग्स बनाता हूँ और आप जैसे देख सकते हैं मेरा फेवरेट वन ऑफ द मोस्ट। इस विद्यालय में बच्चों की कमी के कारण यह विद्यालय बंद होने के कगार पर है, जिसे लेकर गाँव के लोगों के साथ अध्यापक भी चिंतित है और सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि इस तरह के विद्यालयों का जीर्णोद्धार कर इन्हें संवारने का प्रयास किया जाए। और एक निवेदन मेरा गवर्नमेंट से भी है कि जैसे मेरा जो स्कूल है तो यहाँ पे भी ये लगभग बंद होने के कगार पे है क्योंकि छात्र संख्या कम है। तो ऐसे ही कई स्कूल हैं जो लगभग बंद होने के कगार पे है। तो मेरा गवर्नमेंट से निवेदन है कि इन स्कूलों को जरूर मरम्मत कीजिए, जो जीर्ण शीर्ण है। हमारा विद्यालय भी अंदर से काफी जीर्ण शीर्ण है, किसी तरह से मेंटेन कर रखा है। तो आप लोग अगर इन बिल्डिंग्स को ठीक से रख रखाव कर देंगे तो आने वाले समय में ये जरूर काम आएंगी। भगवान न करे कि कभी ऐसी आपदा आए, लेकिन कोई अच्छे काम होंगे गाँव में तो उसमें भी इन बिल्डिंगों का प्रयोग किया जा सकता है। और जैसे महिला मंगल दल है, उनकी मीटिंग्स यहाँ हो सकती है, ANM सेंटर बन सकते हैं या अन्य कोई भी गाँव में कहीं कार्य होते हैं तो उनमें इनका यूज किया जा सकता है। तो अब प्रधानों से कह के या जैसे भी हो सके इन बंद होते विद्यालयों का रख रखाव जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम इतना तो हम बोल सकते हैं कि गांव छोटा है, अगल बगल भी कोई गांव नहीं है। तो हम ये प्रोमिस तो नहीं कर पाएंगे कि हम छात्र संख्या बढ़ा पाएंगे, लेकिन फिलहाल जब तक विद्यालय चल रहा है इसके लिए समर्पित रहेंगे और आने वाले समय के लिए चाहते हैं कि इन विद्यालयों का रखरखाव अच्छे से हो और ये एक गांव की जो धरोहर है ये बनी रहे और गांव के काम आए। तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ, धन्यवाद। इसी कड़ी में एक और किस्सा सामने आया है। जिला पिथौरागढ़ के तहसील गंगोली हाट के ब्लॉक दसाई थल के गाँव चहज, जहाँ एक परिवार क्वारंटीन समय में अपनी दिनचर्या व्यतीत कर रहा है, पर बच्चों के लिए जरूरी सुविधा व्यवस्था न होने के कारण सरकार से मदद की गुहार भी लगा रहा है। पूरे विश्व में फैले कोरोना के कारण विभिन्न प्रकार के क्षेत्र व उनसे जुड़े लोग पूरी तरह प्रभावित हुए हैं। उत्तराखंड के लोक कलाकार समाज भी जिससे अछूता नहीं रहा। हाल ही में संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने लोक कलाकारों के समक्ष कोरोना से उत्पन्न स्थितियों का जायजा लेने हेतु स्काइप वीडियो के माध्यम से वर्चुअल बैठक की। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कोरोना महामारी के चलते लोक कलाकार भी इससे उत्पन्न समस्या का शिकार हुए हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने राज्य के सुप्रसिद्ध लोक कलाकारों से स्काइप वीडियो के माध्यम से वर्चुअल बैठक की। बैठक का मुख्य उद्देश्य आपदा के इस दौर में जब कार्यक्रम आयोजित नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में लोक कला को संरक्षित करने और लोक कला से जुड़े लोक कलाकारों के हितों को देखते हुए उनसे सुझाव मांगे गए।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए सभी उत्तराखंड के मूर्धन्य कलाकारों के साथ और सांस्कृतिक कर्मियों के साथ, लोक कलाकारों के साथ बातचीत हुई। सबके हमने सुझाव लिए और एक रास्ता हमने निकाला है निश्चित रूप में कि कैसे उन लोगों को काम मिले, कैसे वो अपने कला का प्रदर्शन कर सकें। तो सारी चीज़ों पर चर्चा हुई है और निश्चित रूप में लॉकडाउन ख़त्म होते ही हम लोक कलाकारों को मंचन के लिए, उनके अभिनय के लिए, उनके जो है आर्ट फॉर्म है उसको ज़रूर हम जनता के आगे रखेंगे और उसके लिए हम रास्ता निकालेंगे। आज बहुत ही सुंदर माहौल के अंदर सबसे चर्चा हुई और लोगों ने आभार जताया कि सरकार को उनकी चिंता है और निश्चित रूप में हमें सभी लोक कलाकारों की चिंता है। हम उनके भविष्य के बारे में चिंता करते हैं, करते रहेंगे और उनके अभिनय के लिए हम एक बहुत सुंदर इलेक्ट्रॉनिक मंच ढूंढ रहे हैं और निश्चित रूप में आने वाले समय में वह अपनी कला से हम सब उत्तराखंड वासियों को प्रभावित करेंगे। कोरोना के संकट काल में जहां कलाकार दोहरी मार मर रहा है, ऐसी स्थिति में जहां कलाकारों में आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ है, इस दौरान अगर मंत्री जी कलाकारों से बातचीत करते हैं और इससे निश्चित तौर पर ये एहसास हुआ है कि हमारे माननीय मंत्री जी सतपाल जी महाराज कलाकारों को लेकर कितने संवेदनशील हैं और कितने चिंतित हैं, तो मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहूंगी। जैसा कि उन्होंने कहा है कि जो भी हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, चाहे हम पेज के माध्यम से या किसी चैनल के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से कार्यक्रम को वो करवाएंगे। इसके अलावा जो आर्थिक रूप से कमजोर जो हमारे कलाकार हैं उनको आर्थिक सहयोग के लिए भी उन्होंने कहा है, इसके लिए मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी सभी कलाकारों की तरफ से। और उम्मीद करती हूं कि जरूर बहुत जल्दी ही हम सभी कलाकारों को एक मंच मिलेगा, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम अपनी प्रोग्राम्स लोगों तक पहुंचाएंगे और इससे सभी कलाकारों को आर्थिक मदद भी होगी और अपनी कला संस्कृति का प्रचार प्रसार भी होता रहेगा। कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण उपजी समस्याओं के निस्तारण हेतु केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों के खाद्य विभाग की बैठक ली, जिसमें कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मिलित होकर उत्तराखंड का पक्ष रखा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तराखंड सचिवालय में खाद्य विभाग और केंद्र सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय के बीच हुई बैठक 22 मई शुक्रवार को संपन्न हुई। बैठक में शहरी विकास मंत्री एवं शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक के द्वारा राज्य का पक्ष केंद्र के सम्मुख रखा गया, जिसमें उन्होंने प्रवासी मजदूरों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने एवं खाद्य आपूर्ति की व्यवस्था हेतु सुझाव दिए। बैठक में खाद्य आपूर्ति हेतु अनेक अहम मुद्दों पर विचार किया गया। कोरोना महामारी के चलते केंद्र सरकार राज्यों के साथ मजबूत समन्वय स्थापित कर हर मोर्चे पर तुरंत कार्रवाई हेतु जरूरी दिशा निर्देश दे रही है। भारत सरकार के जो खाद्य मंत्री हैं जी, उनकी वीसी के माध्यम से अपने राज्यों की सारा विषय सब जो माननीय मंत्री बन रहे थे जी, हमने अपने राज्य से संबंधित दो विषय रखे हैं और मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इन पर दोनों पर न केवल विचार करने को अपितु सचिव को निर्देश दिए कि जो करते हैं। नंबर एक, जो हमारे प्रवासी भाई आ रहे हैं जी, उनकी लिमिट उन्होंने जो हम राशन उनको देंगे अगले दो महीने तक लगातार, तो वो उन्होंने एक लिमिट रखी थी 10%। एक तो हमने कहा कि वो 10% की लिमिट जितने एक्चुअल है उतने रखें। दूसरी, उन्होंने एक शर्त रखी थी कि उनका राशन कार्ड देखे, जिनके पास उन राज्यों में राशन कार्ड है उनको नहीं देंगे। तो मैंने कहा कि जब आदमी ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी आपदा में घर छोड़ता है तो वो कपड़े लेकर आ जाए बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो कहां से राशन कार्ड उठा के लाएगा कि राशन, मुझे राशन भी लेना है। तो हमने कहा राशन कार्ड की शर्त हटाइए, आपदा मानकर दो महीने उनको राशन मिलना चाहिए। उन्होंने इस बात को मान लिया और कहा कि आगे सब राज्यों को कहा कि सचिव को सब राज्यों से बात करके इसको ओके करिए। दूसरी, वन नेशन वन कार्ड की बात हुई, उसमें हमने अपने राज्य की प्रोग्रेस रिपोर्ट दी है। ठीक है, हमने शुरुआत की है, सीएससी के माध्यम से हम करेंगे, लेकिन हमें इंटीरियर में दिक्कत आ रही है। इंटीरियर में जब हम सीएससी को कहते हैं कि आप मशीन लगाइए, तो मशीन की कॉस्ट लेके और वहाँ केवल 200 ही राशन कार्ड है, 100 ही राशन कार्ड है, तो उससे उनका खर्चा नहीं हो रहा है। बाकी जिलों में हमने काम शुरू कर दिया, उसका कोई वाया मीडिया हम निकाल रहे हैं और हमने अगस्त तक हमने कहा कि हम काम शुरू कर दें।
एक तरफ जहां भारत समेत पूरा विश्व कोरोना पीड़ितों की जीवन रक्षा में लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ समाज का एक तबका ऐसा भी है जो झूठी खबरों व अफवाहों को फैलाकर इस जंग को कमजोर कर रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों का सिलसिला जारी है। एक पोस्ट के अनुसार दावा किया है हिमाचल रेजिमेंट को मंजूरी मिली है और जिसका हेडक्वार्टर कांगड़ा में बनाया गया है। पीआईबी फैक्ट चेक के अनुसार इस तरह की फर्जी खबरों से सावधान रहें। इस तरह की खबर मात्र अफवाह है। एक समाचार पत्र ने दावा किया है अहमदाबाद सिविल अस्पताल द्वारा वेंटिलेटर्स की खरीद की गई है जो कि गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं है। पीआईबी फैक्ट चेक के अनुसार गुजरात सरकार ने इसकी पुष्टि की है कि वेंटिलेटर्स दान किए गए हैं, इनकी खरीद नहीं हुई है और ये सभी मानकों के अनुरूप हैं। आइए अब आपको जानकारी प्रदान करते हैं उत्तराखंड में कोरोना की ताजा स्थिति के बारे में। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय उत्तराखंड द्वारा 26 मई को कोविड-19 से संबंधित स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार अभी तक राज्य में कोरोना के कुल 400 पॉजिटिव केसेस हैं, जिनमें से 64 ठीक हो चुके हैं। ताज़ा कोविड अपडेट के अनुसार आज 51 नए केस सामने आए हैं और 6 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट 16% है। जिलेवार देखें तो अल्मोड़ा में आज 3 केस, पिथौरागढ़ व टिहरी गढ़वाल में 14-14, नैनीताल में 10, हरिद्वार में 5 और उधम सिंह नगर में 2 केस सामने आए हैं। तो कोविड डायरी के संक में मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते बता दूं कि अब आप भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। आपके आसपास घटने वाली घटना अगर वो जनता से सरोकार रखती है तो आप हम तक उसे ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आप हमारा ईमेल नोट कर लीजिए जो कि है hopddkddun@gmail.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9634377639। तो फिर होगी आपसे मुलाकात कोविड डायरी के अगले अंक में। तब तक के लिए अखिलेश लिंगवाल को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।